पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे व्लॉग को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाला नया व्लॉग आप तक पहुंच जाएगा। तो भाई साहब, आज है 12 रविवार और आज के दिन बहुत ही मजा आता है, बहुत ही इंजॉय होता है। और क्या यार बताऊं, आज का दिन बहुत अच्छा होता है। तो फिर आज उमर समान जो है ना वो घर चल गए, जो टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। उमर समान कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं घर, और हमने देखने की गलियां सकते हुए मतलब कैसे सज रही है, और हमने भी घर जाना है अभी कुछ ही देर पर। उससे पहले मैं आपको चीजों को आए हाय 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 मुर्गे चल गए, अभी भी मारे मुर्गे इधर ही है, देख सकते हैं आप लोग। आए मुर्गे शुर्गे, क्या हाल है, ठीक हो, ऐसे हो, ठीक हो, ठीक हो। और तो भाई माशाल्लाह कितने बड़े हो गए, छोटे छोटे हमने पाले थे और माशाल्लाह बड़े हो गए। तो भाई ये मुर्गे हमारे तकरीबन 2 दिन इधर ही जाएंगे, और 2 दिन मुर्गे हमारे इधर ही होल्ड रहेंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, फिलहाल पिंजरा लेके आए या ना लेके आए, शायद इसको यही पिंजरे को हम उधर ले जाए, ठीक है। तो 2 दिन हमारे पास ये मुर्गे रहेंगे और उसके बाद घर वापस चल जाएंगे। तो उमर समान तो चल गए हैं घर वापस, और मैंने जाना है अभी कुछ ही देर में, अभी कुछ ही देर में जाना है। और आप लोगों को मैं रात को दिखाऊंगा गलिया, अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी भी तैयारियां हो रही है उधर गलिया जड़ी है, और जब प्रॉपर तैयार हो जाएगा ना रात के टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पिछली बार से भी अच्छी। वाह जी वाह भाई, ये क्या है, ये भाई क्या है, मुझे नहीं देनी, चलो निकलो भाई साहब। बिलाल भाई गलियां गलियां देखने जा रहे हैं कि हम हमारी तकरीबन लगा लो 5-6 गलियां सजी हुई है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और भाई पिछली बार भी मैंने ना प्रॉपर ब्लॉग ना तो इतना नहीं कैमरा खोल में चलने लग गया, ब्लॉग बना रहा हूँ ये नहीं मैंने किया था, मैंने वीडियो शीडियो बना ली थी और अपने ब्लॉग के अंदर मैंने डाल दिया था क्लिप, ठीक है। ये मैंने किया था ब्लॉग वगैरह मुझसे नहीं बना, क्यों भाई इस बात का बताओ यार, कितना ही रश है भाई, रश बहुत ही ज़्यादा है। और भाई अगर मैं मोबाइल में ब्लॉग बना रहा हूँ ना तो अगले जो फैमिली वगैरह आई जाती है उन्होंने कहा ये क्या कर रहा काम, फिर अगले समझेगा नहीं हमें हमारी वीडियो बना रहा है। तो मैं इसलिए मैंने ये काम नहीं करना है, जहाँ मुझे लगा ना कि मैं मतलब रश कम हुआ उधर मैं ब्लॉग बना लूंगा, कि मतलब कैमरा खोल के अपना थोड़ा बोल बोलूँगा। तो जहाँ मुझे नहीं लगा ब्लॉग नहीं बनाना तो मैं वहाँ नहीं बनाऊँगा, क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा है, गलियाँ आगे तंग तंग होती है, ऊपर से जो सजा दी है और तंग हो जाएगी, तो मुश्किल से ब्लॉग बनेगा। मुझसे वीडियो बना लूंगा, एक क्लिप बना लूंगा एक आधे, तो वो मैं ब्लॉग के अंदर डाल दूंगा। चलो सुमान साहब उठो और चले, तो हम जानने के गलियां देख रहे हैं जो सजी है, और सुमान कह रहा है बहुत ही प्यारी है सजी हुई, बहुत अच्छी है, इस वक्त चलते हैं देखते हैं गलियां कौन सी सजी है। तो भाई यहाँ ये वाली जो गली है ना ये बहुत ही प्यारी सजी हुई थी, जितनी भी हमने गलियाँ देखी ना सबसे प्यारी ये वाली गली थी माशाल्लाह, इसमें बहुत ही मतलब अच्छा था, उन्होंने सजाया हुआ था और बहुत ही अच्छी सजी थी। तो आगे आप लोगों को और दिखाते हैं आपको गलियाँ। भाई पारक में देखो इतना रश है भाई, देख सकते हैं आप लोग रश देख सकते हैं, पारक में भी रश बहुत ज्यादा है। आज शाम चल रहा था ना, बस चले फिर ननगढ़ वापिस।
हम बहुत ज्यादा लाश था ना, बड़ी मुश्किल हम फंस के निकले हैं और समझो बिल्कुल हम फंस चुके थे। अमर साहब बताओ यार, तो हम जा रहे हैं नानुगढ़ वापस। तो भाई चलते हैं नानुगढ़ वापस। कितना ज्यादा रश था तब? अभी भी रश है। तो भाई हम 10 बजे आ गए थे, तो भाई अभी रात की 12 बज रही है। बहुत ही ज्यादा लोग पागल हो गए। रात के 12 बजे और इतना की शदीद रश हुआ है, मैं आपको क्या कहूँ यार। मजा यार आ गया यार लोगों के लिए, क्या हो गया यार। लोग आ रहे नच्ची जा रहे लोग सुनी मेरा, मैंने कई क्लिप बना रही है, लोग नच रहे हैं, पागल हो गए, पता नहीं लोगों ने नशा किया है और नच्ची जा रही है, ये सुनता रहा है। और हर जगह मतलब पौधे लगी हुई है, नच जो है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, कब तक रश रहेगा? कहता है वो रहेगा। हाँ तो भाई तकरीबन लगा लो 1 या 2 बजे मतलब खत्म हो जाता, जो हुआ है ना पंखे वगैरह जो लगे हुए हैं, ये स्पीकर पर हमें तो नींद नहीं आ रही। हम लेते तो ये फिर लगा रही है टैक्स को, तो भाई फिर दर्द हो रही है बीबी। फिलहाल रात काफ़ी हो गई, हम तो समझ गए हैं, अगला दिन शुरू हो गया और इस वक्त मैं छत में आया हुआ और फैसलाबाद में। मौसम की बात की जाए तो भाई मौसम तो आप बेहतर है आप लोग। तो भाई अगले डे की शाम हो गई है और आपका भाई इतना सुस्त है। रात को भाई मैं लेट सो जाता तकरीबन 2 बज गए थे मुझे सोते सोते, और सुबह लेट भी उठा था तकरीबन 12 बजे जाकर मैं उठा हूँ और नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद थोड़े बहुत काम से वो गायब हुए, तो शाम हो गई अगले डे की। फिलहाल भाई साहब 12 रविवार थी कल और बड़ा ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट किया हमने। और भाई एक तो मैं क्या कहूँ हमारी पाकिस्तानी आवाम को, इतना कि रास्ता ना इतना कि राश भाई जगह नहीं रहती पैर रखने की, और मतलब हर जगह जाओ रास्ता तो ना आते लोग ना पाकिस्तानी आवाम आते लोग नचने आए हुए थे, क्वालियाँ लगाई हुई है, पता नहीं क्या क्या कर रहे, नची जा रहे अधे लोग तो पागल हुए थे नच नच के, दिमाग इतना खराब हुआ लोगों का यार। कोई बंदा करे यार चीज़ें वगैरह बांटे ठीक है, इन्जॉयमेंट करे ठीक है, ये क्या होता है यार कि कवालियाँ लगाई नचना शुरू कर दिया जी। सारे लोग भाई इधर तो वीडियो बना रहे थे, मैंने कहीं तक बना दिया, मैं कहा चलो ब्लॉग के अंदर डाल देंगे, पर कई लोग तो भाई टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे, कई मतलब वीडियो देर से लोग बना रहे थे, तो अपना मजाक उड़ा रहे थे लोग, जो नच रहे थे सारी काम जो कर रहे थे। तो एक भाई से मैं देखा था पागल हो गया था, नच नच के दिमाग घूम गया था, बाहर घुमा जा रहा था, मैं कहा लगता है पागल हो गया, चीन चमड़ गए। तो पागलबंदी हुई हुई थी आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा, इतना रश हुआ हुआ था, समझ कुछ नहीं आ रही थी। तो जितना मुझसे ब्लॉग बना बन गया, जितना मुझसे नहीं बना कोशिश तो मैंने की है हर क्लिप आप लोगों को मैं दिखाऊँ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। तो कम अज़ कम हमारी जो है ना पूरे जो मोहल्ले में ना 5-6 गलियाँ सजी है, इस बार बहुत ही कम सजी है, आगे पीछे ना 7-8 गलियाँ सजती थी, 7-8 से भी ऊपर, तो इस वक्त 5-6 सजी गलियाँ।
तो ये सीन है। नानोगढ़ जो मोहल्ला है ना हमारे, नानोगढ़ वाला मोहल्ला, उधर तो कोई सजी नहीं है, उधर तो बिल्कुल नहीं सजी, पर उधर डश बहुत आ रहा था उधर, मतलब ना माशाल्लाह फुल लंगर बना गया। जहाँ मैं आपको बताऊँ, पूड़िया और समोसिया, चिप्स, क्या क्या चीज़ें बांटी गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉयमेंट किया। उमर सुमन गए हुए है खालागढ़, मेरी खालागढ़ गए हुए, तो मैं आपको भाई पार्क की सुनता था, तो पार्क में कितना ज़्यादा रश हुआ है इस टाइम शाम के टाइम भाई, ये सबसे आप लोग कितने ही लोग आए हुए, इसलिए मैं आपका भाई इस टाइम पार्क नहीं जाता, ये सारे लोग ही लोग आए, ये आए हैं झूलों की शामत आई हुई, झूले वगैरह देखिए भाई, तो इसलिए आपका भाई इस टाइम पार्क नहीं जाता। और ये सीन है, तो यहाँ से करते ब्लॉग को एंड, यकीन आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, इस ब्लॉग को करिए लाइक कमेंट शेयर। तो भाई ये वाला जो ब्लॉग आने वाला 12 या 20 बार के तीन या चार दिन बाद आने, क्योंकि भाई इसमें एडिटिंग करनी है, बहुत सी पाने हैं और कई क्लिप बने अभी ढूंढने हैं, इतनी मतलब वीडियो होती है उसमें क्लिप ढूंढने हैं, बहुत से पाने वाला ये ब्लॉग है, तो इसको कम से कम 3 या 4 दिन लग जाने, अगर तो हो सके तो मैं जल्दी करूँगा क्योंकि टाइम लगेगा, मैं मंडी भी जा रहा हूँ और ये ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, सारे काम मेरे पर इकट्ठे आए हुए हैं, तो इससे थोड़े ब्लॉग लेट हो जाए। आपने पिछला ब्लॉग भी बनाया हुआ था, एडिटिंग करके रख दिया था, कम अज कम 3 या 4 दिन बाद मैंने अपलोड किया है, ये सीन था। ऊपर से हमारा नेट भी लगे फजलो कलम से, बहुत ही सीमेंट वाला नेट है, आप समझ गए होंगे कैसे वाला नेट है, बहुत ही स्लो नेट है यार, बहुत ही स्लो, एक ब्लॉग अपलोड करने के लिए तकरीबन नालो एक पूरा दिन लग जाता है, ये सीन होता है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।